बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे गाजीपुर के लंका मैदान। जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य आचार्य श्री गुप्तेश्वर महाराज की उपाधि से किया गया है विभूषित। गाजीपुर में सनातन समाज को किया संबोधित। आयोजक लावारिस सेवा एवं सौदा ट्रस्ट के अध्यक्ष कृष्णानंद उपाध्याय के कहने पर जब वो पटना जा रहे थे तो गाजीपुर में रुके और उन्होंने कहा आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। उन्होंने अपने वाणी से क्या कहा, देखें पूरा वीडियो। तो सीतामढ़ी में कथा कर रहा था एक बार, तो घर में जो फटा हुआ नोट कहीं नहीं चलने वाला है, और नोटबंदी के बाद जो कुछ लोगों का फंस गया उसे नोट भी आदमी में देखने के लोग डालते। दान इस जीवन में नहीं दोगे तो अगले जीवन में दरिद्र होगे, तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा। गरीबी और कुछ नहीं है। प्रोग्रेसिव लोग इस बात को नहीं मानेंगे। अपनी बात कोई एक लाइन नहीं बोल रहा हूं। या तो आप आस्तिक हो तो हो, सनातनी हो तो हो, नहीं हो तो कहोगे नहीं है, नहीं मानते हैं हम। वेद नहीं मानते हैं, शास्त्र नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, तो फिर आप नहीं मानते हैं तो हमको भी आपसे कोई मतलब नहीं। जो मानते हैं उनके लिए कहता हूं कि मानते हो तो लिखा हुआ है कि जो दान नहीं देगा वो दरिद्र होगा। कोई कहेगा हम पुनर्जन्म नहीं मानते, तो भाई चार्वाक दर्शन मानते हो तो ठीक है, मत मानो। लेकिन अगर मानते हो तो जान लो जो दान नहीं देगा वो दरिद्र होगा। लेकिन दान देने का जब बात कर रहे हैं तो समझना कि हम दान है, हम ऐसे ब्राह्मण हैं जो किसी का दान नहीं स्वीकार करते। क्योंकि दान स्वीकार करने की सब में क्षमता नहीं है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता, गायत्री का जप नहीं करता और नारायण का मंत्र नहीं जपता और शास्त्र का अनुसार आचरण उसका नहीं है, वो दान पचा नहीं सकता। वो दान ही उसको खा जाएगा, दान पचा नहीं सकता। सब ब्राह्मण को ही केवल दान लेने का अधिकार है, क्षत्रिय को नहीं है, वैश्य को नहीं है, शूद्र को नहीं है। दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण का है, लेकिन उस ब्राह्मण को नहीं है जो मछली खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, पापाचार करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, जुर्म करता है। उसको दान लेने का अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह रहता है, शास्त्र की मर्यादा में रहता है, गायत्री और संध्या करता है, धर्म का आचरण करता है, वही दान को पचा सकता है। और जब दान किसी से आप स्वीकार करते हैं, आप उसके पाप का एक अंश स्वीकार करते हैं। जब कोई शास्त्रांग आपको प्रणाम करके आपको स्पर्श कर दे